यार इधर तो सर्दी सर्दी है नाजरीन। सर ये कहाँ सरगोद हम सर ये जियो की तरह से देखे अमीन हफीज कैमरा मैन अजमल रजा के साथ। सर यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ सर बारिश नहीं हो रही सर, पेंडू भाई है जो मेरे से बारिश आती है नीचे आके वो जम जाती है फैसलाबाद के पेंडू की वजह से। सर ये होता है, आइए नाजरीन हम आपको इंटरव्यू दिलाते हैं एक आम इंसान का। वो देखे वो सामने वो सामने आम इंसान आम जिंदगी में। सर जी सर हम जी तरफ से आए हैं जी सर। आम जिंदगी में आप क्या महसूस करते हैं यहाँ पे बहुत स्नो हो रही है आपको कोई प्रॉब्लम इससे? सर मेरी गाड़ी फंस जाती है सर सवेरे। तो आप सर बेलचा गाड़ी में रखा करें ना। तो आप इसके लिए क्या, मैं पठान तो नहीं हूं साथ बेलचे कंधे पे हो मेरे। तो सर आप क्या करते हैं फौजी तदाबीर यहाँ पे जो अगर आपको हो ऐसा तो? नीचे कच्चा पा लेता हूँ टाइट ठंड ना लगे। गोडों तक जूते होते हैं और हतलमकान कोशिश होती है कि बर्फ से बचाए। ये सर जियो न्यूज मेस्टा मैगनिंगा 46 मैगनिंगा 46 से हम बात कर रहे हैं। सर आपको एक और इंसान से मिलाते हैं जो यहाँ के हैं कुत्ते मार दवाई खाने वाले जनाब अजमत साहब। जी सर आप सर इस बर्फ के बारे में कुछ रोशनी। सर हमने समझा था यूरोप में आएंगे जिंदगी सुकून से गुजारेंगे सर, इधर सुकून क्या इधर तो हमारे टट्टे तालू के साथ लगे नहीं करें इस तरह की बिल्कुल बात पे टीट पे कर देना टीट टीट चलो टीट कर दे। तो इस टाइम हाथ ऐसे हुए हैं जैसे -52 डिग्री पे होते हैं और इतनी सर्दी है नाजरीन और हाजरीन के हमारा कैमरामैन भी फ्रीज हो चुका है। देख सकते हैं आप सर गाड़ी ऊपर ये हमारे ड्राइवर जुल्फकार चीमा साहब, ये हमारे हैं चट्टा साहब मैकेनिक, ये जी फैसलाबाद के जी असल कहीं वाला फैसलाबाद के भाड़ है जी साहब कई बार आप हैं देख सकते हैं सर इधर बुड्ढी रहती है, इधर भी बुड्ढी रहती है, ऊपर भी बुड्ढी, हर तरफ बुढ़िया ही बुढ़िया और आप छड़े बुढ़ियों में 8-6 छड़े इधर रहते हैं ऊपर देखो तेरी खैर वो डिश लगी हुई है, ये हमारी डिश नहीं है नाजरीन हमारे साथ वालों की है। हम जो तीन आदमी खड़े हैं यहाँ पे हम मदद के तलबगार हैं। हम हमारे ऊपर जो लड़के गए हैं वो चाबी साथ ले गए हैं और हम नीचे खड़े हैं। हम नीचे खड़े हैं सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर और यूरोपी साहब गए हुए हैं यूनिवर्सिटी चाबी लेके। सर तलत हुसैन गए थे अपना कनाडा में, अब अहसन हुसैन आए हैं, अजमल हुसैन एंड जुल्फकार अली चीमा साहब। चीमा साहब यहाँ के जो नायब नाज़िम बनने वाले थे लेकिन हार गए शेख रशीद की वजह से। दो ही वोट पड़े हैं, एक तो मेरा था दूसरा किस कंजर का। अभी सर आप हम आपको इंटरव्यू देते हैं जनाब अजमल साहब का जो यहाँ जो ताज़े इलेक्शनों में हारे हैं, जो ताज़े हारे हैं सरकार के बगैर जो आपको बताएंगे। इलेक्शन में हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी लेकिन हमारे साथ सर बहुत बड़ी फ्रॉड हुआ है सर। माइक मैंने अंदर घुसा दिया इलेक्शन में सर वोट नहीं डाले गए, पर्चियां जाली डाली गई है सर। हमारे मुकाबले में जो खड़े हुए थे कामरान साहब और बुक्ती साहब, उन्होंने सर उन्होंने पैसे दिए सर, उन्होंने पैसे दे के वोट खरीदे। हमारे पास क्रोने नहीं थे सर इसलिए हम वोट नहीं खरीद सके। हमारे पास पैसे थे, हमें बाहर से इमदाद नहीं आई, उनको इंडिया की तरफ से इमदाद। रशिया भी इमदाद कर रहा है सुना है सर। हाँ रशिया भी इमदाद कर रहा है, अब तो रशिया भी बलूचिस्तान में घुसा है। सॉरी सर एक मिनट सर ऑर्डर करें, आपका चूहा लगा हुआ है। ये जोक ये फैसला वाके भाड़ है जी, ये तो फिर चलता है सर। ये माइक है, ये समझे आप, मैं इसको उंगली दे रहा हूँ। ये माइक है, ये निशान है, ये ऐसा करे तो समझे गाली है। चलो सर इसी के साथ आज के प्रोग्राम के साथ क्योंकि हम ठंड में बहुत गर्म बहुत ठंडे हो गए ना सर, आज का प्रोग्राम इसके साथ खत्म करते हैं। जियो न्यूज मैस्टा प्रम 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 बंद करो बेटा, बंद करो ना इसे, कोई तस्वीर नहीं खींच दे बेटा, ऐसे बंद करो भाई, इसको स्टॉप करें भाई अब।